मैं आज आपके सामने हिंदुस्तान की एक रियल स्टोरी लेके आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने यहाँ एक बहुत बड़े ज्वेलर हुए, पर खुदा ना खास्ता वो तकलीफ में आ गए और उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मिसेज बड़ी समझदार थी, वो घर चलाने में बड़ी तकलीफ आ रही थी, तो अपने बच्चे को बोला कि तू एक काम कर, अपने पास तेरे बाप का दिया हुआ एक है अपने पास नीलम का जवान, तू नीलम का हार लेके जा और अपने चाचा के पास जा और वो कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकाल लेंगे, हार बेच देगा, हार बेच देंगे। वो हार बेचने जब गए और चाचा ने जब देखा ना, तो चाचा ने बोला यार माहौल जो है ना वो अपना अनुकूल नहीं है, और बड़ा मंदा चल रहा है हीरो का बाजार, तू इसको रहने दे, तेरे को कितना चाहिए तू पहले पैसे ले ले, और हाँ तो और कल तू मेरे दुकान पे आना। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ताजू करेंगे, अगले 7 साल में वो लड़का है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्वेलर ऑफ इंडिया बन गया। और उस लड़के को बाद में जब चाचा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का बड़ा टैलेंटेड हो गया, तो उसने एक दिन एक उसको तपास करने के लिए एक आदमी के साथ नकली भेजा, परीक्षा ली, हाँ नकली हार भेजा, बोला चाचा ये तो नकली है अपनी थोड़ी चलेगा, नाउ ही इज कॉन्फिडेंट कि ये पूरा का पूरा। तब उसने बोला कि तेरा जो नीलम का हार है ना उसको ला, उसको बेच देते अपने। हाँ, वो घर से लाया, काउंटर पे रखा, बोला चाचा ये तो नकली है, जाली है, आपने उस समय हमको क्यों नहीं बताया कि देख बेटा जिस दिन तू हमारे पास आया था ना उस दिन तेरा परिवार मुसीबत में था, तुम लोग भी बहुत तकलीफ में थे और मैं तेरा सगा चाचा होता हूँ, उस दिन मैंने अगर तुमको बोल दिया होता कि ये जाली है नकली है तो तेरे मन में हमारे प्रति गलत फहमी हो जाती, अपने रिश्ते खराब हो जाते। तो बोलते हैं कि जरा सी बात पर, जरा सी बात पर ना छोड़ अपनों का दामन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों को बनाने में अपनी जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है। बोलता अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि खानो मारे हाथ रो भले जैर वो, खानो मारे हाथ रो भले रहनो भाई रे हाथ में, रहना भाई के साथ में भले बैर हो। तो जहां परिवार है, जहां संस्कार है, जहां वैल्यूज है ना बॉस, वहीं जिंदगी है।